वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट का पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो 2021 में हुआ है ऊपर जो क्वेश्चंस हैं सारे वो हैं तो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के तो पार्ट फोर से चालू होता है तो पहला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ में पूछा गया कि कौन कौन सी सब्सिडीज होती है तो वैसे तो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है पर लेकिन हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में WTO आता है तो डब्ल्यूटी फाइव में बना है इससे पहले गेट हुआ करता था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड तो इसमें तीन टाइप की सब्सिडीज होती है और कौन सी नहीं पूछा है तो व्हाइट बॉक्स कुछ नहीं होता है एम्बर बॉक्स ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स क्या डिफरेंस है एम्बर बॉक्स वो सब्सिडीज होती हैं जो ट्रेड को डिस्ट्रॉड करती हैं जो ट्रेड को खराब करती है डायरेक्टली किसी को पैसा दे, दे देंगे और उससे ट्रेड इफेक्ट करेंगे उसे बोलते हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडीज ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज क्या होती है जो गवर्नमेंट फंड करती है इनडायरेक्टली ताकि उनके जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो अच्छी हो सके उसे तो बोलते हैं ग्रीन बॉक्स ही और ये ट्रेड को डिस्ट्रॉट नहीं करती खराब नहीं टरती और ब्लू बॉक्स क्या होती है अगर आप पैसा रिसर्च वगैरह में देते हैं किसी को आ, आ, आर एंड डब्ल्यू में देते हैं रिसर्च में कोई अपने सीड बना दी गई अच्छी जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हुई वो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में आती है पर जो डायरेक्टली अगर आप पेमेंट देते हैं जैसे सब्सिडीज दी जाती है वो आती है एम्बर बॉक्स में जो डिस्ट्रॉट करती है आपको याद रखना है दूसरा फिर एक स्टेटमेंट है मिस्टर जिन्ना एंड फॉलोअर्स डिड नॉट सीम्स टू रियलाइज ज्योग्राफी वाज अगेंस्ट देम नो वन कैन होप दैट ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान विल कंपोज ऑल देयर डिफरेंस एंड फॉर्म वन नेशन ये मौलाना अब्दुल कजाम आजाद ने बोला था कि जिन्ना जो सोच रहे हैं कि वो जो इंडिया के जैसे जूनागढ़ हो गया हैदराबाद का कुछ हो गया वो ले लेंगे उसके खिलाफ उन्होंने बोला था कि भाई ज्योग्राफी नहीं करते कि आप एक इंडिया के सेंट्रल और में आप हैदराबाद को आप ले लेंगे पाकिस्तान में तो ये स्टेटमेंट उनके बहुत आर्बिट क्वेश्चन है मैंने नहीं पढ़ा था आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं रिसर्च कर सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्राउन एट डिग्निटी नॉट कैपेसिटी स्टेटमेंट इज दिस काफी बार पूछा जाता है अगर हायर एग्जामिनेशन में देखेंगे सर विलियम आइवरी जेनिंग्स का विलियम आइवरी जेनिंग क्राउन एट्स डिग्निटी क्राउन से एक डिग्निटी तो है बट वो इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है ये टिट्यूलर हेड रह गया है जो यूके में जो यूके के क्राउन के बारे में बोलते हैं जेनिंग्स की ये टिट्यूलर हेड है बस डिग्निटी का साइन है बस एक्चुअल पावर नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये पूछा हुआ है कि कि भाई पर्टिकुलर डेट इमरजेंसी कब से कब लगी सबको पता है 1977 लगी पर आप उसे एक ही ऑप्शन कट कर, कर सकते हैं ऑप्शन नंबर टू हुँ. आप पता होने पच्चीस जून से लेके इक्कीस मार्च तक लगती है सेवेंटी फाइव से सेवेंटी तक चलती है और इसके लिए शाह कमीशन बनाया जाता है बाद में शाह कमीशन ये डिक्लेयर करता है कि जो इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी इमरजेंसी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी

तो आ, ये आ, ये लाला लाजपत राय की स्टेटमेंट नहीं है बाकी तीन आप समझ सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा आए तो क्या आप कर सकते हैं जैसे बिपिन चंद्र की स्टेटमेंट है ये आप रिलेट कर सकते हैं मिडिवल मिडिवल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नॉट कम्युनल में रिलीजन का इतना कुछ ज्यादा थॉट नहीं था दो रिलीजियस सप्रेशन एंड ऑपरेशन अकॉर्ड ड्यूरिंग द मिडिवल एज ऑल्सो एंशियंट पीरियड पर लेकिन रिलीजियस सप्रेशन जैसे बाबर आया तो उसने हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया कोई और राजा आया तो उसने और वो कन्वर्ट करता ये हुआ करता था ये बिपिन चंद्रपाल क्योंकि वो हिस्टोरियन है तो वो ये बात लिख सकते हैं आप इसे कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता तो कम्युनलिज्म अ मॉडर्न दैट अरोज इज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल इम्पैक्ट ये जो कॉलोनिज्म का मामला है पहले पहले जो रहते थे सारे लोग सारी कम्युनिटीज लो, खासकर अगर इंडिया की बात करू सब कॉन्टिनेंट में बात करूँ हिंदू मुस्लिम्स लिविंग पीसफुली बट जब ये ब्रिटिशर्स आए इन्होंने एक हिंदूज को पहले क्या मुस्लिमिज्म तो तो की जो भावना आई वो इसी टाइम पे आई है ड्यूरिंग दलोनिज्म पीरियड क्योंकि उनका तो फायदा हो रहा था वन पार्टी फ्रूटिज्म की भावना आई मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है

ग्रामर ऑफ एनआरकी ये उन्होंने जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जब असेंबली बन रही थी उसे एक दिन पहले बोला था कि आ, जो बी आर अम्बेडकर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी मेथड है सत्याग्रह का मेथड है सिविल मैथडिल्स मेथड है ये मेथड कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है तो ये जो है ये ग्रामर ऑफ एनआरकी की तरह रह गए हैं इनका कोई बेस नहीं है चाहे वो ही वॉज अगेंस्ट द दिविल डिसोबिडियंस अगेंस दत्याग्रह गांधी बी आर अम्बेडकर फॉलो दिटनल मैथर ऑफ एनर्ज रिल्लू की, की तो कुछ बुक्स और ऑथर दिए हुए तो देखो ये बहुत फेमस है डिक्लाइन पॉलिटिकल थ्योरी दो तीन लोगो ने लिखा है इसमें डेविड ईस्टन ने भी लिखा है इसके बारे में कोबा ने भी लिखा है ये जो किताब है कोबा की है तो दो तीन लोग डिक्लाइन ऑफ वर्डल थ्योरी से रिलेटेड है अगेन इट्स यूजीसी नेट क्वेश्चन पर अब आपको क्या करना है जो सही किताब है उनको आपको याद रखना है जैसे वॉट इज पॉलिटिकल फिलोसफी ये लियो स्टेरस की काफी फेमस बुक है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एस ये माइकल ऑक्सर्ल्ड की बहुत फेमस बुक है और रॉबर्ट नॉजी की अनलिमिटेड टाइम पूछी जा चुके हैं एनआरकी स्टेट एंड यूटोपिया 1974 इसका ईयर भी पूछा जाता है ये रॉबर्ट नॉजी की किताब है अब इसमें ये पूछा गया कि बताओ कि किस कंट्री में सबसे पहले वो सब, आया आया तो एक बेसिक अगर मुझे ईयर भी नहीं पता तो मैं क्या देखूंगा यूएस है इंग्लैंड है स्विट्जरलैंड है फ्रांस है तो यूएस तो पहले ही आ, उसका इंडिपेंडेंस हो चुका था तो इनमें सेवेंटी वन यूएस नहीं हो सकता आधर यूएस इज वन और ए और इंग्लैंड से पहले हुआ था तो इसका जो है सबसे पहले जो है यूएस नाइनटीन सर्फ आ, सर्फेज मिलता है तो वन का ए सेकंड का बी थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी इज द राइट आंसर मैं आपको कहूंगा अगर ऐसे क्वेश्चन आप दो याद रख लो यूएस का 1920 सौ बीस आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह इंग्लैंड का नाइनटीन नेहरू रिपोर्ट की तरह अगर आप कुछ ऐसे हिंट्स बना के याद कर सकते हैं तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए विलियम गॉडविन अकॉर्डिंग टू विलियम को बहुत फेमस स्टेटमेंट है गॉडविन का सोसाइटी गॉडविन जो है विलियम गॉडविन सोसाइटी कौन होते हैं जो स्टेट को नहीं मानते स्टेट को चाहते हैं कि स्टेट ना आए लोग अपने आप रह सकते हैं तो गॉडविन की स्टेटमेंट है सोसाइटी इज बोन टू मैन बट गवर्नमेंट इज कर्स इसीलिए वो सरकार को कर्ज बोल रहे हैं क्योंकि वो अनार्किस्ट है

प्लेटो को और हीगल को और को मार्क्स एनिमी ही थारिस्ट नहीं माना था एनिमी माना था तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है तो आइए आप पढ़ सकते हैं फोर्ट स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए कि क्या है मार्क्स के बारे में उनका एक स्टेटमेंट है कि मूवमेंट ऑफ किंगडम ऑफ नेसेसिटी एंटर द किंगडम ऑफ फ्रीडम तो मार्क्स की पूरी जो थ्योरी है वो अपनी सोशलिज्म पे साइंटिफिक सोशलिज्म बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म बोला जाता है मार्क्स को और स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन इज अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अच्छा भी क्वेश्चन है मैंने इसके बारे में सर्च किया था पता लगा इसका आइडेंटिफाई द टर्म यूएस के प्रियम्बल में और इंडियन ब्रेम्बल में क्या नहीं आता मतलब कि क्या नहीं आता है इनमें से क्या सिमिलरिटी नहीं है तो हमारे अगर देखा जाए वी दीपल हमारे में आता है जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फॉर हमारे में आता है डेमोक्रेटिक हमारे में आता है पर लेकिन यूएस में डेमोक्रेटिक नहीं आता यूएस में डेमोक्रेटिक दे नॉट यूज द वर्ड डेमोक्रेटिक इधर मैंने साइड में तीन चीजें लिखी है एस 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 डी आर

अब ये इसमें दिया हुआ है सबसे पहले कि आंध्र प्रदेश बना तो आंध्र प्रदेश आपको चाहिए फर्स्ट स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी वो तो पहले दो कमीशन बने थे जेवीपी कमीशन बना था धार कमीशन बना था जिन्होंने मना कर दिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बनेगी फिर लेकिन फिर पोटीसी टर्म थे वो आंध्र प्रदेश के आ, आंध्र प्रदेश तो नहीं था उस टाइम पे मद्रास प्रोविंस के जो थे उन्होंने वो गांधीन थे और उन्होंने फास्ट किया और उनकी डेथ हो गई उसके बाद सरकार को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा नाइनटीन में तो ये करेक्ट है स्टेट रिकोगनाइजेशन कमीशन फैजली कमीशन बोला जाता है नाइनटीन में फॉर्म होता है ये बताता है कि कितनी स्टेट बनी और कितनी स्टेट नहीं बनेगी तो है ना तो ये भी सही है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1960 ठीक है गोवा को स्टेटस ऑफ रेफरेंडम 1967 में मिला था तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेक्टली मैच विद द साइंटिफिक मैथडोलॉजी तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करता है इंसान फिर एक्सप्लेनेशन की जाती है फिर बाद में प्रेडिक्ट किया जाता है इसको तो कहाँ यूज किया जाता है तो रिसर्च का क्वेश्चन है यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन कब आया ये 1950 में आया था कोरियन क्राइसिस के टाइम पे लाया गया ये मैंने साइड में लिख दिया है कि रेजोल्यूशन 377 ए बिल बोलते हैं इसको यूएन जनरल असेंबली का ये क्या कहता है कि अगर

जनरल असेंबली को डिसीजन लेना चाहिए तो 1950 में आया था ठीक है अभी जो अब इसमें इनकरेक्ट बताना है आपको डब्ल्यूटीओ 1995 में बना ठीक है इससे पहले था गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड डायरेक्ट। औरग्वे राउंड से बनता है ये राउंड की डेट आपको पता होनी चाहिए 1986 1994 देन इसमें लिखा वर्ल्ड ये पर लेकिन बहुत टेक्निकल है, हर किसी को नहीं पता होगा डब्लू टी ओ ठीक है और इसमें लास्ट डब्लू टी ओ सेटल ट्रेड डिस्प्यूट मेनलीब्लू टी ए बनाया गया था क्योंकि जो गेट था उसके अंदर ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट जो था वो सही नहीं था आपस में कोई भी ट्रीटीज बाइंडिंग नहीं थी लोग

और गांधी जी लेंगे पार्टिसिपेशन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो इट्स इजी वन करेक्ट बताने की किसने कहा जस्टिस एज द वन पर्सन वन ड्यूटी जस्टिस को ड्यूटी से रिलेट करता है अपना प्लेटो प्लेटो बोलता है कि ये आपकी ड्यूटी है जस्टिस इज अ ड्यूटी जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांग एथेसिमेकस बोलता है कि भाई जिसके मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस जस्टिस हैज फेयरनेस की बात करता है जॉन रॉल्स और जस्टिस एस प्रपोशनेट इक्वेलिटी की बात करता है एरिस्टोटल जहां पे बीच की बात आ जाए मध्यम आ जाए प्रोपोर्शनेट इक्वेलिटी मीडियोकर बात आ जाए दैट एरिस्टोटल टॉक अबाउट देन उसके बाद है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ग्लेस नोट एंड पेट्रोसिया ये यूएसएसआर के जो उस टाइम में प्रेसिडेंट था उसने उसकी इकोनॉमी को खोलने के लिए पॉलिटिकल

श्योरिटी के कोई भी पोलिटिकल साइंस का एग्जाम उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको इनसे मिलेगा एशियान पूछा गया कि को हुआ, और मैंने इधर कुछ चीज लिखी हुई है कि आई एशियन में आज की डेट में दस लोग हैं पर लेकिन एशियन में स्टार्टिंग में पांच कंट्रीज थी ये पूछी जाती है कई बार तो ये आपको याद रखना आई फॉर इंडोनेशिया एम फॉर मलेशिया पी फॉर फिलीपींस एस फॉर सिंगापुर साइड में लिख दिया मैंने. अब ये किसकी देन देन है? Thomas की देन है है की मतलब कि एक ही वोट है, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट में होता है कि भाई किसी को सेलेक्ट करना है वहां पे तो वो बंदा अपनी प्रायोरिटीज बताता है कि पहला मेरी प्रायोरिटी ए है दूसरी प्रायोरिटी मेरी बी है तो सिंगल वोट ही ट्रांसफर होता रहता है unless किसी को मेजोरिटी मिल जाती है तो ये जो सिस्टम था वो थॉमस एयर ने स्टार्ट किया था अब इसमें बताने है कौन सा सही नहीं है इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी की बात करते हैं अमृत सेन अमृत सेन हमेशा कैपेबिलिटी की बात करते हैं उनके लिए इक्वालिटी मतलब है कैपेबिलिटी किसी को कैपेबल कर दो ताकि वो खाना खा सके फिर है इनकी किताब भी इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी के नाम से कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी माइकल वॉजर की किताब है कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स इन्होंने नॉजिक दे रखा है ये है रोनाल्ड डॉर्किन का कॉन्सेप्ट रोनाल्ड डॉर्किन ने इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स का दिया है

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एन नंबर ऑफ टाइम पूछा हुआ है द इज डेट ये पूछी गई है इन ग्रेक्ट में यही पूछा आपको यही पता लगा ना, अगर आपको और नहीं पता तो कोई इशू नहीं है मैं चाहूंगा कि आप इसको और याद कर ले एसेंशियल एक्ट ये जब कोई अगर सरकार एक्सपोर्ट पे बैन लगाती है तो ये यूज करती है और इसके अंदर एक लिस्ट निकाल देती है कि बीस प्रोडक्ट हैं इसके ऊपर ये ये लोग हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे इस या फिर इम्पोर्ट पे कोटा लग जाएगा तो इसको बोलते हैं एसेंशियल एक्ट देन द लिस्ट ये वियर्ड सा क्वेश्चन है इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ आ, जो इंसिडेंट्स हुए थे वो लिखा रेन ऑफ टेरर 1973-94 टेनिस कोर्ट का हुआ था 1789 में स्टॉमिंग ऑफ बेलसलाइट जो जेल उन्होंने तोड़ दिया था बेसली का वो 1789 में था रूल ऑफ डायरेक्टरी 1795-99 तो आप इसे डायरेक्टली देख सकते हैं इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है अब ये पूरा अब इतना बड़ा लिखा हुआ है बस आप इस पे ध्यान दो ही फॉर गोट टू एड द फर्स्ट टाइम इज ट्रेजेडी हिस्ट्री के बारे में एक की स्टेटमेंट है हिस्ट्री रिपीट एज अ रिपीटेडी फर्स्ट एंड सेकेंड एज अ फेयर्स ये मार्क्स की स्टेटमेंट है जो कालमार्स लिखते हैं हिस्ट्री रिपीट करती है एज अ ट्रेजेडी फर्स्ट एंड एज अ मिमिक्री सेकेंड जोक और एज अ फेयर्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको दो तीन कॉन्सेप्ट बता दूं पहले तो एरिस्टोटल एरिस्टोटल दो तरीके के सिटीजन होने चाहिए एक होना चाहिए, चाहिए, चाहिए वो इनइक्वालिटी में बिलीव करता था एरिस्टोटल लाइक मैकेवली ये लोग इनक्वलिटी में बिलीव करते थे तो सही है कि एक प्रिविलेज क्लास होनी चाहिए क्लास होनी चाहिए बिल्कुल सही अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल

फोर्थ गलत है ये करंट के करंट का टॉपिक था उस टाइम दो में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था दो हजार में तो उसमें बोला गया था हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन मुस्लिम नहीं था कि उनको हम लोग सिटीजनशिप देंगे अगर वो बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से हैं तो मुस्लिम शुड नॉट बी है तो फोर्थ इज द रॉन्ग आंसर अब ये hmm. कॉन्सेप्ट है नाजी ऑफिशियल टर्म्स दिया उसका मतलब क्या है तो भाई डिसंटीग्रेशन uh, का मतलब है होता है कि भाईकुएशन का मतलब होता है उनको गैस चैम्बर के लिए और स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब होता है उनका मतलब होता है मास मर्डर करना मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सोल्यूशन का मतलब होता है मर्डर ऑफ ऑल ज्यूज विद रीच मर्डर ऑफ द ऑल ज्यूज विद रीच रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड केयरफुल अब बताना है एज ऑफ देखो इसमें क्या बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था एज ऑफ एनलाइटमेंट राइज ऑफ द बुर्जो इन एफेक्टिव लीडरशिप ऑफ फ्रेंच मुनार्क लुइस फोर स्टेट सिस्टम ब्रॉट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं ये नहीं था और ये कार्ल मार्क्स

क्वेश्चन है कि ये मुझे देखने प्रेसिडेंट का और नीचे लिखा हुआ है टू वन थ्री ये ऑर्डिनेंस पावर है गवर्नर की ये नेट का फेवरेट क्वेश्चन आ गया ब्यूरो अंडर द क्लॉक ऑफ मिनिस्ट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ब्यूरोक्रेसी की क्रिटिसाइज करते हुए रेमसेन म्यूर कहते हैं कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है ये मिनिस्टर लोग इनको पालते हैं और ये इनके पालतू कुत्ते की तरह काम करता है फिर है आर्टिकल थ्री वन जेड जेड स्टेट आप कुछ मत देखें इसमें बहुत बड़ा सा लाइन है बस आप इसको पकड़ लें प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ जापान से आता है जापान टू वन विच इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पहले शंकरी प्रसाद केस आता है फिर सज्जन सिंह आता है फिर गोलकनाथ केस आता है केशवानंद नाइनटीन सेवेंटी थ्री का आता है फिर मिनरवा नाइनटीन एटी सिक्स का आता है ये कई बार क्रोनोलॉजिकल लगाने में होते हैं केश शंकी प्रसाद फिफ्टीज का है का है सज्जन सिंह आता है इसके बाद फिर गोलकनाथ का आता है सिक्सटीज में फिर केशवानंद अगर आपको कुछ नहीं पता आपको इतना पता है केशवानंद नाइनटीन सेवेंटी थ्री का है सेवेंटी वन का है और मिन्रव मिलके बाद आता है तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कौन से अगर आपको पर्टिकुलर एरिया भी नहीं पता आपको पता है कि किस किधर आया है कि मुझे पता है मिनरल में एटीज में आया केशव नाइन सेवेंटीज में आया गोलक नाइन में आया तो मैं वन टू थ्री को एडजस्ट कर सकता हूँ अब ये लिखता है कि यूएसए विल रिस्पेक्ट द इनवोबिलिटी ऑफ क्यूबन बॉर्डर इट्स सोवरिटी दैट इट टेक द प्लेज नॉट टू इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर अब ये लिखता है कि भाई, का जो मामला हुआ था वो हो गया था क्यूबन क्राइसिस में यूएसएसआर और यूएसए कोल्ड वॉर का एक पीरियड है उसमें हुआ था कि यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में रख दी थी विच इज कम्युनिस्ट कंट्री एट दट टाइम एंड राइट नाउलो कम्युनिस्ट कंट्री तो इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे कैनेडी थे और था उसके टाइम पे ये चल रहा था तो ये इसकी डेट पूछिए तो अक्टूबर 1962 1962 में हुआ था अगर आपको बहुत फेमस है ये की बुक्स में मिल जाएगा आपको 1962 फिर है कि इसमें पूछा कि कौन सा जो प्राइम मिनिस्टर था वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नहीं बनता ज्यादातर पहले क्या होता था कि जो प्राइम मिनिस्टर ही हुआ करता था वही हमारा फॉरन मिनिस्टर हुआ करता था जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था अपने टाइम में दस साल तक उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो एक्सटर्नल मिनिस्टर अटल बिहारी कुछ प्रोवाइड करे न करे पर कंट्री का वेलफेयर तभी होगा कंट्री विल डिपेंड कंट्री उसी पर डिपेंड करेगी उसका वेलफेयर कैसे हो रहा है मैनिस्टर इट इट इज अ ट्राइड से कंट्री कैन कैन हैव ओनली द गवर्नमेंट इट डिजर्व तो ये राजेंद्र प्रसाद की है आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं मैंने इसका आंसर बता दिया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर है ऐसे क्वेश्चन याद नहीं किया जाता आपको मिल गए आप एक बार पढ़ लो आपके दिमाग में याद रहेंगे तो आप कर सकते हो व नहीं कर सकते बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है वन ट्वेंटी एट कहता है कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन नहीं था तो ड्राफ्टिंग में हमने सात मेंबर थे इन्क्लूडिंग बी आर अम्बेडकर जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन तो संताराम वाज नॉट दैट मेंबर संताराम कमेटी बनाई गई थी करप्शन के लिए जिसके बाद आपका सीआईसी और सीबीसी फॉर्म किए गए थे सेंट्रल इंटेलिजेंस कमीशन और चीफ विजिलेंस कमीशन इनकरेक्ट बताना है इसमें तो इनकरेक्ट इन एवरी गवर्नमेंट देर आर थ्री रूट ऑफ पावर द लेजिस्लेटिव द एग्जीक्यूटिव

इंडस्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रेबल स्टेट इंडिया में यूनियन जो है वो स्टेट को तोड़ सकती है रीअरेंज कर सकती है इसलिए बोला जाता है इंडिया इज अंडस्ट्रटेबल को तोड़ा नहीं जा सकता बस स्टेट तोड़ी जा सकती है यूएसए में क्या है यूनियन भी नहीं तोड़ी जा सकती है, और स्टेट भी नहीं तोड़ी जा सकती ई यू में क्या कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रक्टेबल यूनियन यूनियन भी टूट सकती है और इंडस्ट्रेटेबल स्टेट स्टेट नहीं टूट सकती पर लेकिन यूनियन टूट सकती है ये यूए कॉन्सेप्ट है पर यूएसआर में इन्होंने लिख दिया इंडेस्टेबल यूनियन यूनियन तो टूट ही गई ना तभी छोटी छोटी स्टेट टूट तो गई हैं <coughs> तो ये गलत हो गया अब ये होलोकॉस्ट के बारे आल्सो नोन एज अ जेनोसाइड ऑफ यूरोपियन ज्यूज वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो ज्यूज मरे थे जो उनके होलोकॉस्ट को बोला जाता है सोहा बोला जाता है बिटवीन से फोर्टी नाजी जर्मनी मिलियन ज्यूज अगर आपको नहीं भी पता तो आप इसको सही मानेंगे One of the Nazi most was, नाजी का के लिए अपने खुद के लिए बात करता लीडर के लिए बात करता था वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर ये नाजी लोगों का अपना एक स्लोगन था <clears throat> तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच पॉलिटिक्स इज द एरिया ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन लिखा हुआ है और सामने लिखा है मार्क्सिस्ट भाई म्यूचुअल में मार्क्सिस्ट विश्वास ही नहीं करते थे वो कहते थे भाई म्यूचुअल है ही नहीं देर इज अस इंटीग्रेशन देर इज अ बिटवीन द टू कम्युनिटी चाहे वो प्रोलेडिटेड हो या फिर उस वर्कर्स हो उनके बीच में लड़ाई ही रहेगी यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल ही गलत है तो आप देखते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे फिर उसके बाद बताएगी कौन सा सही है देखो तो रेडिकल फेमिनिज्म मैरी वोस्टन क्राफ्ट मेरी वोस्टन क्राफ्ट लिबरल फेमिनिस्ट वो फेमोनिज्मिकल में आती है लिबरिज्म आती है मेरी वोस्टर्न क्राफ्ट ऊपर नीचे कर रखा है पोस्ट मॉडर्न में बेटी फ्रेडमेन नहीं आती है आइडेंटिफाई दंट्री ऑफ विच सुप्रीम कोर्ट इज अट्रॉगेस्ट इन द वर्ल्ड

ये मेरे ख्याल से कुछ खास क्वेश्चन नहीं है मैं इसको स्किप कर रहा हूँ ड्राइंग ऑन द प्रिंसिपल द कॉन्फ्रेंस के बारे में के जो बना था वन में बेलग्राड बना था और उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हुई थी पहली चीज है 1961 में बना कॉन्फ्रेंस की तुरंत हुई कितने किया है और 122 मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल तो आंसर फर्स्ट दे रखा है जो दे रखा है और कंट्री एक सौ बीस है तो मतलब ये तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने पच्चीस कंट्री सही है पच्चीस कंट्री फर्स्ट समिट नाउ ना हो दिखा रहा है गूगल पे भी मेरे को पर आंसर इन्होंने फर्स्ट इज करेक्ट दिखाया सर विच इज नॉट पार्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ पोलिटिकल पोलिटिकल डेवलपमेंट जो है ल्यूसिन पाए तीन चीजें दी इक्वालिटी होनी चाहिए कैपेसिटी होनी चाहिए और डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए जुडिशलाइजेशन कुछ नहीं दिया हुआ ये काफी बार पूछा यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये the 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 thesis that political political reform 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 should precede social reform, became on the face of it as vote universal suffrage article लेकिन इससे क्या social equality बन सकती है तो ये अपसर्ड मानते थे कि तुम पोलिटिकली तो इक्वलिटी दे रहे हो पर लेकिन सोशल इक्वलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे तो ये स्टेटमेंट जो करते थे बी आर अम्बेडकर करते थे आगे आप पढ़ सकते हैं इसको बीएड एडम में से इनको बहुत प्यारे पांचवा छठवा क्वेश्चन है देखो फिर एक और क्वेश्चन आ गया वी मस्ट मेक अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी अभी मैंने जो बात थी, की थी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी को बताना चाहते था एज वेल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देर इज अ टाई एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक कामयाब नहीं है अगर आपकी सोशल डेमोक्रेसी नहीं है आप ऊपर से किसी को भी कह सकते हो कि भाई आपको स्टेटस दे दिया पर नीचे के लोग अगर उसको आपको आप जो कस्टम है आपके कम्युनिटी है उसको नहीं मानती तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है जुड़ी थर्टी ए जोड़ा गया था जोड़ा गया था बी मेरे ख्याल से कोऑपरेटिव सोसाइटी का है और नाइनटी अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था बाकी थर्टी नाइन ए में क्या बोला गया था मेरे ख्याल से फ्री लीगल एड की बात करते हैं फोर्टी एट एनवाइ से रिलेटेड है फोर्टी थ्री बी मैनेज वर्कर के मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन के ऊपर है अब मैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें मैं क्या क्या आपके लिए पढ़ने लायक है जो नियो पूछता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ये 1974 सेवनटी फोर में आता न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होता गया पहले क्या था कि सारी जो डब्ल्यू आई एम एफ डब्ल्यू डीओन आई एम एफ हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया डब्ल्यू डी ये सब लोग लिबरल इकोनॉमीज मतलब वेस्टर्न इकोनॉमीज के बेसिस पे चलते थे तो कुछ टाइम बाद क्या होने लग जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आजाद हो गई जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो कंट्रीजा आजाद हुई हैं उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं अब जब वो आजाद हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि भाई जो तुमने ये निजाम लगा रखा है जो सिस्टम लगा रखा है वो हमें सही नहीं लगता क्योंकि ये पार्शियल है ये यूरोप सेंटर का ये वेस्टर्न सेंटर का हमें ऐसा एक सिस्टम चाहिए जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी सुटेबल हो उसके लिए बोलते हैं न्यू न्यू इकोनॉमिक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर सेवेंटी फोर में प्रपोज किया जाता है इन द स्पिरिट ऑफ ट्रेड नॉट एड हमें ट्रेड करनी है हमें एड नहीं चाहिए न्यू कॉल्ड फॉर चेंज इन ट्रेड ये क्या जाता है कि चेंज हो ट्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में फाइनेंस में तो दोनों स्टेटमेंट सही है

ये भगत सिंह की किताब है द एनिलेशन ऑफ कास्ट बहुत फेमस किताब बी आर अम्बेडकर की अनहपी इंडिया ये अगर ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता अनहैपी इंडिया लाला लाजपत राय की बुक है अब मैच कर सकते हैं अफगानिस्तान ने सार्क को कब ज्वाइन किया 2010 में अफगानिस्तान ने सार्क ज्वाइन किया इट इज अ फोर्टीन समिट न्यू डेली में ही हुई थी तो सार्क हमारा नया मेंबर बना था सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन है

ठीक है ये अब दिया हुआ है लेनिन दिया हुआ है रेवोल्यूशन बेट ट्रेड इम्पेरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म ये तो अपना आ, ल, ये लेनिन की है लेनिन बोलता है ये कि इम्पेरियल हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म व्हाट इज टू तो बी डन ये भी लेनिन का है स्टेट एंड रेवोल्यूशन तीन चीजें लेनिन की है बी सी डी ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन है बी सी डी बी सी डी फिर सेकेंड का ई थर्ड का ई कार्ल मार्क्स का है तो आप याद कर सकते हैं इसको द लास्ट क्वेश्चन इज इनका स्टेटमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में क्या है यह लिखता है इट इज अ डोमिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो लेटिन अमेरिका है वो ज्यादा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्योंकि वो यूएसए से इन्फ्लुएंसड uh, है सारी कंट्रीज तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमेंस्टर मॉडल बोलते हैं वेस्टमेंस्टर एक जगह है इंग्लैंड में जहां, जहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट होता है बिकॉज इंग्लैंड इज नोन एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम दिस कॉन्सेप्ट फर्स्टली डेवलप्ड इन इंग्लैंड क्योंकि जगह ही पार्लियामेंट्री वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू लेजिस्लेचर ये वन ऑफ द मेन फीचर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का आई होप आपको ये समझ में आया हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे, दे दूंगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी मैं ऐसे ही आगे वीडियोज लाता रहूंगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं थैंक यू